हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहिए कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम आपको बादाम कितने खाने चाहिए, किस मात्रा में खाने चाहिए और कौन से महीने में खाने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, बादाम खाने को प्रेगनेंसी के अंदर बादाम खाने के लिए महिला बहुत ज़्यादा चिंता में रहती है, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। अब जैसे गर्मी आ चुकी है तो महिलाओं को ये टेंशन रहती है कि प्रेगनेंसी के अंदर बादाम खाएँ या नहीं खाएँ। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के अंदर आप बादाम खा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरे 9th मंथ तक बादाम खा सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है तो फ्रेंड्स, आप जो शुरू की 3 तिमाही होती है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसके अंदर आप बादाम खाना अवॉइड कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा बार बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पर आप बादाम को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बादाम खा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, बादाम खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, बादाम के अंदर फोलिक एसिड होता है, जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको डॉक्टर भी फोलिक एसिड की टैबलेट देते हैं ताकि बच्चे का अच्छे से विकास हो, उसके बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो और फ्रेंड्स, जो बादाम होता है उनके अंदर कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, जो बच्चे के हड्डियों के विकास के लिए अच्छा होता है, आपके लिए भी अच्छा रहता है, आपकी स्किन ग्लोइंग बनी रहती है। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारी महिलाओं की जो स्किन होती है वो ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और फ्रेंड्स, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपको अगर डेली आप बादाम का सेवन करते हैं तो इससे आपकी जो लाल रंग की कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उन्हें बनाने में आपकी हेल्प करता है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के अंदर महिलाओं को ज़्यादा अपच वगैरह की प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज़्यादा रहती है, खाना पचता नहीं, तो ये आपको खाना पचाने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई प्रेगनेंसी के अंदर बादाम खाने के फ़ायदे क्या क्या हैं कि, अब बात कर लेते हैं कि आपको बादाम कितनी मात्रा में खाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको डेली सिर्फ 4 से 5 बादाम ही प्रेगनेंसी के अंदर खाने चाहिए, वो भी आप शाम के टाइम भिगो दीजिए, सुबह जो उसका छिलका होता है वो उतार कर खा लीजिए। आप हो सके तो उन्हें पूरे एक साथ ना खाएं, आप पूरे दिन में 2-2 करके 5-6 बादाम आप पूरे दिन में खा सकते हैं, उससे आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा मात्रा में बादाम नहीं खाने, और बिना जो भिगोए हुए बादाम होते हैं आपको उनका बिल्कुल भी यूज नहीं करना, वो आपको नहीं खाने, आपको भिगोकर ही उनका छिलका उतारकर तभी बादाम खाने हैं। और फ्रेंड्स, जो मार्केट के अंदर ये मीठे नमकीन भी बादाम आते हैं, आपको उनका सेवन नहीं करना है, आपको जो नॉर्मल बादाम होते हैं आपको उन्हीं का सेवन करना है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।